तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बीएससी सेकंड एंट्रेंस तरीके के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट रहा है कि एडिट के ऑप्शन देने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है। बहुतों ने तो डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं किया है या किसी और का डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, अभी भी गलती हो रखा है, तो क्या होगा उनके साथ? क्या उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा या क्या हो सकता है, या हमारे टाइम में क्या हुआ था? तो पूरा डिटेल में बताएंगे वीडियो में, अंत तक बने रहना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है? चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मिस्टेक आपसे हुआ है वो है किसी और का डॉक्यूमेंट अपलोड करना। तो ये आपको खुद से सोचना चाहिए कि अगर किसी और का डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दोगे तो आपके साथ क्या होगा, ठीक है? तो आपको रिजेक्ट पीटी मेंस में नहीं किया जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहां पे आपका रिजेक्शन होगा, ठीक है? पीटी और मेंस के लिए सब कुछ नॉर्मल रहेगा आपका। पीटी और मेंस में आपके साथ दिक्कत कब हो सकता है? जब आपके नाम में मिस्टेक हो, ठीक है, फादर नेम में मिस्टेक हो, या फिर और क्या हो सकता है, या हाँ, नाम और फादर नेम में मिस्टेक हो। क्योंकि जब जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो सेंटर में, एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर जाने से पहले आपको गेट पे चेक होता है, आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड से या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ से आपका एडमिट कार्ड के साथ नाम और फादर नेम, एड्रेस, ये सब मैच करता है। अगर वो मैच नहीं करेगा उस टाइम तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपके साथ, बहुत प्रॉब्लम होगा, थोड़ा क्या बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ हुआ है, जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि सर्टिफिकेट में या फिर उनसे नाम में, अपने फादर के नेम में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक, स्पेलिंग ये सब हो गया, सुधार नहीं कर पाए, तो बस इतना ध्यान करना है उनको कि आप एफिडेविट करवा लेना, ठीक है? जो भी एफिडेविट क्या होता है कि जब आप कोर्ट जाओगे वहां पे वकील होगा, उससे बात करोगे, 500 रुपया में नोटरी पे एफिडेविट बनाता है जिसमें लिखा रहता है कि ये और ये नाम सेम है, ठीक है? तो वो करवा लेना, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा एंट्री में। तो पीटी आप दे दोगे, मेंस दे दोगे। अगर सिर्फ आपका नेम में मिस्टेक है तो पीटी मेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप एफिडेविट करवा के जाते हो, ठीक है? इसलिए इतना सा प्रॉब्लम है तो आप लोग टेंशन मुक्त रहना। दूसरा प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट गलत अपलोड करना। तो ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक है, आपको पता ही है कि एग्जाम में छांटने का एक ये भी प्रक्रिया है। और अभी क्या होता है कि पहले और अभी में क्या फर्क है कि जब आप पहले क्या था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता था, लेकिन अभी उतना 1.5 गुना 1.5 गुना लोगों को बुलाया जाता है। जैसे 12,000 सीट है तो 18,000 लोगों को लगभग, ये भी 18,000 भी हम मैक्सिमम बोल रहे हैं, हमको लगता है 14-15,000 लोगों को बुलाया जाएगा। हमारे यहाँ हमारे टाइम में 2,000 लोगों को ज्यादा बुलाया गया था, तो अभी भी वही होगा मेरे हिसाब से। अब क्या होगा नहीं होगा वो तो जब रिजल्ट आ जाएगा तभी पता चलेगा। तो इतना गुना लोगों को ज्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया था, सीट खाली चला गया, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ कुछ पॉइंट से रिजेक्ट हुए उनको रिजेक्ट ही कर दिया गया, ठीक है? तो अगर आप डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किए हैं तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए। मेन प्रोसेस है पीटी और मेंस पास करना। जब तक आप पीटी और मेन पास नहीं करेंगे तो डॉक्यूमेंट आपका बहुत सही भी रहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप उस प्रोसेस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो डॉक्यूमेंट सही अपलोड करने से भी कोई फायदा नहीं है। तो अभी फिलहाल आप पीटी और मेंस के बारे में सोचो, क्योंकि अगर मान लो पीटी मेंस हो भी जाता है इसका मतलब आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है, और अगर इसमें आप नहीं हो पाते हो तो रेलवे का एग्जाम है सामने, आप उसमें हो जाओगे, ठीक है? तो इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरा है, कुछ लोग जो है डॉक्यूमेंट दूसरे का अपलोड कर दिया, तो दूसरे का डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड कर दोगे तो वहां भी तो बहुत दिक्कत होगा। कुछ लोग ऐसा हुआ है कि 10th के सर्टिफिकेट की जगह 12th का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, 12th के सर्टिफिकेट की जगह 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, या पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड, आधार कार्ड की जगह पैन कार्ड। तो ये माइनर मिस्टेक है, इसमें उतना दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है? क्योंकि ये दिक्कत इसलिए नहीं होगा कि उस टाइम आप बोल सकते हो कि मिस्टेक हुआ है, ये मिस्टेक माइनर है। हाँ, बिग मिस्टेक क्या है, दूसरे का अपलोड कर देना, मतलब अपनी जगह अपने भाई का अपलोड कर दिया, या फिर ऐसा ही कुछ बहुत सारे लोगों से मिस्टेक हुआ है, तो ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक है। और 10th की जगह 12th, 12th की जगह 10th ऐसा हुआ है तो ये मिस्टेक मेरे हिसाब से ये नॉर्मल सा मिस्टेक है, इसको माइनर मिस्टेक बोल सकते हैं। तो ये इसमें रिजेक्शन के चांसेस कम है, तो इसमें जिनसे ये हुआ है तो वो शांत रह सकते हैं। अब एक मिस्टेक है वो आधार कार्ड की जगह पैन कार्ड, पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड, तो ये भी माइनर ही मिस्टेक में काउंट होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। देखो बहुत सारे लोगों का परसेंटेज नहीं मिस्टेक, ये परसेंटेज कुछ गलती हो गया है, परसेंटेज डालने में गलती हो गया, तो वो सब आप मत सोचो, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। तो डॉक्यूमेंट अपलोड जब हो गया है तो आप सही अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो सब कुछ वहां से चेक होगा। हमारे टाइम में क्या हुआ था कि जैसे हमारे टाइम में तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया नहीं था, तो जब हम लोग पीटी मेंस पास करने के बाद, टाइपिंग पास किए, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे थे, तो हम लोगों को अटेस्टेशन फॉर्म था उसको भर के लेके जाना था, साथ में पेन ड्राइव में 1-2 MB का बोला था, जितना भी डॉक्यूमेंट है मेरे पास सबको स्कैन करके लेके जाने के लिए, और एक पीडीएफ बना के और एक पेन ड्राइव में लेके जाना था, फिर वो लोग अपने पीसी में ले लेता उसको। और इसी चीज से बचने के लिए अभी ही आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल दिया, इसलिए बोला ताकि देखो होता क्या कि कितना भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो लेकिन कुछ लोग तो गलती करेंगे, तो इस वजह से कि इस गलती को नेग्लेक्ट किया जा सके, तो मेरे हिसाब से इसी वजह से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा गया था, ठीक है? जैसे एक मिस्टेक बहुत है, बहुत सारे लोग इस बारे में पूछ रहे हैं कि लाइव फोटो का क्या हुआ, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका लाइव फोटो में हुआ क्या है कि कान नहीं दिख रहा, या फिर बैकग्राउंड कुछ और है, या फिर साइबर कैफे का बहुत सारा पार्ट आ गया है, जो बैकग्राउंड बोला गया था वो बैकग्राउंड नहीं है। तो देखो लाइव फोटो लेने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जैसे हम लोग एग्जामिनेशन में, आपको पता ही है कि बिहार में बहुत किसी और की जगह कोई और बैठ के एग्जाम दे देता है, तो ये दिक्कत ना हो, ठीक है? ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही लाइव फोटो लिया गया था। बाकी बात देखो एडिट के ऑप्शन में तो लाइव फोटो का कभी
चेंज करने के लिए अभी तक दिया ही नहीं। जब नहीं दिया है तो फिर मेरे हिसाब से जो भी फोटो अगर आपका क्लियर आया होगा, लाइव फोटो में बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अब इस बात से टेंशन मुक्त रहना। अगर वो रिजेक्शन का वे रहता तो उसको भी एडिट करने का चांस दिया जाता। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मेन लाइव फोटो एग्जामिनेशन में जो आप जाओगे वो उसको देखा जाएगा, ठीक है। और क्योंकि फोटो जो हम लोग डालते थे वो बहुत सारे लोग मिक्स करके भी डाल देते थे, जो आपका बोरो बैठा था या स्कॉलर बैठा था एग्जाम में उसके साथ मिक्स कर देता था, तो आसानी से एग्जाम निकाल लिया जाता। फिर लास्ट में जाके भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते थे तो थंब नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इस वजह से भी रिजेक्शन होता था। तो इससे बचने के लिए ये सब किया गया है। एक बात का चिंता बहुत सारे लोगों को है कि वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं। मतलब देखो आपसे यही, आप कमेंट जरूर करना जो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, कि जैसे दो बार एडिट का ऑप्शन आया था, एक बार एडिट का ऑप्शन आके फिर डेट बढ़ा तो लास्ट 18 मार्च तक रहा था डेट। तो अगर आप फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए तो अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि जितने बार बोलेगा बार बार डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए तो दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, अगर आप गलती किए तो उसको सुधार के दोबारा करना चाहिए था आपको। अगर वो भी आपसे नहीं हो पाया तो फिर तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में। और अगर आप एक कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं ही किए हैं फिर तो मेरे हिसाब से आपको बहुत दिक्कत होने वाला है, या फिर आपको उसी तरह से बोला जाएगा जैसे हमारे टाइम में था कि आप एक पेन ड्राइव में जितना भी डॉक्यूमेंट है सबको स्कैन करके पीडीएफ बना के लेके आने के लिए हो। ऐसा संयोग हो सकता है क्योंकि हमारे टाइम में ऐसा ही हुआ था। तो बाकी बात देखो, जो भी गलती हो गया है तो आप तो आपके हाथ में कुछ है भी नहीं कि सुधारा जा सके, और आचार संहिता भी लागू होने हो ही गया है तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। इसलिए आप अब सीधा एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाओ, एग्जाम की तैयारी करो। पीटी मेंस हो जाएगा, टाइपिंग भी हो जाएगा, तो फिर सोचते रहना कि क्या करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं डाल पाए या टाइपिंग का नहीं डाल पाए, या बहुत कुछ ऐसा भी है क्या हिंदी का टाइपिंग देना जरूरी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश में ही टाइपिंग आता है तो इंग्लिश का ही देना, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं दिया तो उनका पूछना है कि कोई जो पोस्ट में टाइपिंग की जरूरत नहीं है तो क्या उसे भी रिजेक्ट कर देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसा पोस्ट है जिसमें दौड़ने की भी बात है, जैसे डीएम ऑफिस में जो कलर का पोस्ट है, तो अगर आप ऐसा नहीं कि आप अगर दौड़ में नहीं गए तो आपको एग्जाम से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर वैसा कुछ भी नहीं। जो आपका नंबर जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है, जिस पोस्ट मतलब नहीं, जो क्राइटेरिया जो आप पूरा करोगे, जैसे आप टाइपिंग में फेल हो गए तो पंचायत सचिव या ये सब पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो तो आपको वहां पे लिया जाएगा, ठीक है। ये सब के लिए टेंशन नहीं, आप बस आपको एक ही टेंशन होना चाहिए कि पीटी मेंस और टाइपिंग कैसे पास करना है। टाइपिंग की तैयारी अभी मत करना। अगर आपको पीटी में 95-100 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो तो अभी मत करना, पीटी दे देना। पीटी में मन लगा के तैयारी करो, क्योंकि ताकि मेंस के लिए ज्यादा डर ना रहे। अगर पीटी में आप जैसे तैसे पास करोगे तो फिर मेंस के लिए उतना ही डर रहेगा। पीटी में आप मैक्सिमम स्कोर गेन करोगे तो आपको मेंस देने में उतना टेंशन नहीं जाएगा, क्योंकि सिलेबस सेम है, सिर्फ हिंदी का पोर्शन एक अलग से ऐड होता है। इस बात का ध्यान रखना, बहुत ऐसे लोग हैं जिसको अभी मैथ रीजनिंग कुछ पूरा नहीं हुआ लेकिन उनको किस बात की चिंता है, बिहार के क्वेश्चन का या फिर करंट अफेयर्स का, ये सब का चिंता है। तो ये सबसे मुश्किल से 7 से 8 क्वेश्चन आएगा या मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये दोनों पोर्शन मिला के। जबकि आपका सिलेक्शन 110 से 15 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर मतलब सही करके आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक पोर्शन अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो 10 क्वेश्चन हटा दो, आप 140 क्वेश्चन में फाइट करो और 115 क्वेश्चन आराम से ले सही करके आ सकते हो, ठीक है। तो बाकी बात मॉक टेस्ट ये सब लगाते रहो, चैप्टर वाइज सब कुछ का पढ़ते रहो तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। डीमोटिवेट कभी मत होना, कितना भी मार्क्स मॉक टेस्ट में है तो डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में सबको कम आता था, सबको कम आता है। कुछ एक गर्ल्स बता रही थी कि भाई कुछ यूट्यूब वाले दिखा रहे हैं कि पटना में जो तैयारी कर रहा है वो 130 नंबर 140 नंबर ला रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। होता क्या है, देखो पटना में हम भी 2-3 साल रह के तैयारी किया, और हम भी दी प्लेटफॉर्म हो गया या रहमान सर सबसे पढ़े हुए हैं तो सब जगह टेस्ट देने जाते थे। तो देखो क्या होता था, कुछ लोग था, कुछ लोग जो कि इंस्टीट्यूट का ही रहता है, वो दिन भर क्या रहता है इंस्टीट्यूट में ही रहता है, ठीक है। मतलब इंस्टीट्यूट वाले उसको हायर किए रहते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, तो वो लोग कहता है कि हर टेस्ट सीरीज में जाके बैठता है, ठीक है। तो होता क्या कि जैसे फर्स्ट शिफ्ट का टेस्ट हो गया तो सेम क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में भी डालता है, तो वही सब बंदा एक ही शिफ्ट बार 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 एक ही क्वेश्चन को 2-3 शिफ्ट बनाता है, तो उसी को जैसे 20 बंदा 40 बंदा भी वो सब मिल गया, मतलब वो लोग हायर किए रहता है। होता क्या देखो, जैसे जैसे दी प्लेटफॉर्म है तो उसका कोचिंग का फी रहता है 8,000-10,000, तो बहुत लोग नहीं दे पाते, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि सर आपके यहाँ हम काम कर देंगे तो उसके बदले में आप मेरे को यहाँ पढ़ने के लिए फ्री में मौका दो। तो इस वजह से वो लोग फ्री में टेस्ट सीरीज भी देते हैं, तो वही लोगों का नंबर ज्यादा आता है। नॉर्मली हम जो देखे देखे हैं, जो लड़का कुछ कुछ लड़कों को 120 125 115 118 ऐसा आता है, नहीं तो नॉर्मली सबको 90-95 यही इसी के बीच में रहता है, ठीक। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पटना में पढ़ेगा उसके दिमाग में सरस्वती माता घुस जाती है। तैयारी आप कहीं भी बेस्ट तरीके से करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। और वैसे लोगों से सलाह कभी मत लेना जो कि 5-10 साल से तैयारी कर रहा है, उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसको देख के डीमोटिवेट मत होना कि उसका नहीं हो पाया, हम तो 3-4 महीने से ही कर रहे हैं, 5-6 महीने से ही कर रहे हैं तो क्या होगा मेरा, ये सब कभी मत सोचना। सबका अपना अपना दिन होता है। देखो सिर्फ तैयारी ही नहीं सबसे मेन फैक्टर रहता है, फैक्टर रहता है एग्जामिनेशन प्रेशर। अगर एग्जामिनेशन प्रेशर आप हैंडल करना जानते हो तो आप मीडियम भरे हुए हो तो ज्यादा सक्सेस करोगे। कुछ लोग ऐसा होता है कि बहुत पढ़ा हुआ रहता है लेकिन एग्जामिनेशन प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता, एग्जामिनेशन में उसको
दिक्कत हो जाता है पास करने में, ठीक है। तो कभी भी किसी भी चीज को अपने आप से तोलना मत, और मॉक टेस्ट में कम नंबर आना आ रहा है वो भी मत सोचना अभी आपके पास 3-4 महीना है, क्योंकि जून में रिजल्ट देगा तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट दिया तुरंत आपका एग्जाम ले लेगा, उसमें भी टाइम देगा 10 दिन, तो मिड जून में 15 जून तक आपका हो सकता है एग्जाम का डेट दे, या फिर उससे भी बढ़ा दे जुलाई भी हो जाए, ठीक है। तो आपके पास पूरा अप्रैल है, अभी मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, 3-4 महीना भाई बहुत है। सब चीज का चैप्टर वाइज देख लो, रीजनिंग को कभी भी इजी वे में मत लेना कुछ ज्यादा। देखो सबसे कम तैयारी करके मैक्सिमम मार्क्स रीजनिंग में लेना लाया जा सकता है। 45 क्वेश्चन अगर आपका रीजनिंग में सही हो जाएगा तो आप एकदम बेस्ट हो जाओगे। आप सोचो कि 115 नंबर लाना है, 45 आपको आ चुका है, तो 70 क्वेश्चन आपको और सही करना है, ठीक है। 70 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपका जीके से ही है, 25 क्वेश्चन उधर साइंस से है, और 25 क्वेश्चन मैथ्स से। मैथ्स का भी चैप्टर वाइज बनाना, मैथ्स कितना भी कमजोर हो कुछ मत सोचना कि मैथ्स मेरा कमजोर है, अभी सिर्फ तुम प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस इतना सोचना कि हमको प्रैक्टिस करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, जो भी होगा एग्जाम में देख लेंगे, बस इतना दिमाग में रखना। ये सब मत सोचना कि मेरे से नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, बार बार बनाते जाओ। एक टाइम फिक्स कर लो कि हमको 2 घंटा मैथ बनाना है, तो डेली 2 घंटा मैथ बनाते जाओ, देखना 2-3 महीने में आपका हो जाएगा। एडवांस मैथ पे ध्यान मत देना, ज्यादा टफ क्वेश्चन पे ध्यान मत देना, नंबर सिस्टम को अच्छे से तैयारी करना, एलसीएम ऐसे बहुत छोटा चैप्टर है, तुरंत सीख जाओगे, एक दो क्वेश्चन रहता है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस, SICI, ये सब क्वेश्चन ज्यादा हार्ड क्वेश्चन मत देखना, नॉर्मल क्वेश्चन में हो जाएगा। जीके कैसे पढ़े, लूसेंट लेके पढ़ो, और बहुत सारा बुक है, पढ़ते रहो, ठीक है, एग्जामिनेशन में अच्छा कर जाओगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है। बस फोकस्ड रहो, सिर्फ जैसे बहुत ऐसे लोग होते हैं सिर्फ रोते रहे यार मेरे से नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, लेकिन तैयारी नहीं करते, ठीक है। सिर्फ बोलना है कि नहीं हो पा रहा है, मॉक टेस्ट में बहुत कम आ रहा है, किसी का देख रहे हो कि मॉक टेस्ट में उसको बहुत ज्यादा आ रहा है, तो बस देखो मत, तैयारी भी उसी तरीके से करो, ठीक है। रोना नहीं है, तैयारी करना है, 3 महीना विश्वास रखो, 3 महीना आप तैयारी करोगे, आप बहुत अच्छे हो जाओगे, बहुत अच्छे, ठीक है। बाकी बात, एक बार फ्लो में आप आ जाओगे तैयारी के, तो फिर आप वो आपको आगे किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं है, जो भी एग्जाम आएगा आप क्रैक कर जाओगे। रीजनिंग पे फोकस करना, और वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, बहुत लोग मैसेज भी कर रहे थे भैया डीमोटिवेट हो गए हैं, थोड़ा मोटिवेट कर दो, तो ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा। बाकी बात सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, अगर आप अच्छे से तैयारी किए हुए रहोगे तो आपका अच्छा ही होगा, ठीक है। नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, भाई को सपोर्ट करो, कुछ भी मैथ्स के क्वेश्चन में दिक्कत लगता है तो टेलीग्राम चैनल BSSC राहुल सॉल्यूशन, क्योंकि उस पर हम फालतू किसी कोई भी चीज नहीं डालते, आपको कुछ वैसा जरूरी लगता है या डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज करो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी 2-4 दिन वीडियो आएगा, और बताना क्या चीज में दिक्कत हो रहा है, तो कोशिश करेंगे आपको उसका सॉल्यूशन बताने का, ठीक है। चलो भाई।